अब विधायक आतिशी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने बीजेपी शासित साउथ एमसीडी पर प्राइवेट माफियाओं को दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतें बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले दिल्ली के स्कूल बेचकर बच्चों का भविष्य बेच दिया और अब हेरिटेज बिल्डिंग्स बेचकर बीजेपी दिल्ली का इतिहास बेच रही है। उन्होंने कहा कि यदि एमसीडी से दिल्ली की विरासत नहीं संभल रही है तो वह उन्हें दिल्ली सरकार को सौंप दे। दिल्ली सरकार सभी ऐतिहासिक इमारतों की देखरेख भी करेगी और दिल्ली में पर्यटन भी बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के इतिहास को बिकने नहीं देंगे। एमसीडी पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते जा रहे हैं, जहां पहले स्कूल के लेकर उसके बाद पार्किंग को लेकर अब हेरिटेज बिल्डिंग को लेकर सीधा आम आदमी पार्टी की आतिशी जी ने उनके ऊपर निशाना साधा है। क्या है पूरा मामला, मैम से बात करते हैं। मैम क्या पूरा मामला? देखिए, पिछले 15 साल से एमसीडी में बहुत भ्रष्टाचार है। भाजपा के पार्षद हो गए, भाजपा के नेता हो गए, बच्चा तक जानता है कि एमसीडी कितनी उगाही करता है। आज भाजपा को पता है कि 3 महीने में जब एमसीडी का चुनाव है तो उनकी पार्टी को दिल्ली की जनता निकाल के बाहर करने वाली है। इसलिए उन्होंने अब सोच लिया है जितनी जेब भरी जा सकती है भर ली जाए। भ्रष्टाचार तो छोड़िए, वो एमसीडी की सारी प्रॉपर्टी, सारे एसेट्स औने पौने दामों पे बेच रहे हैं। नॉवल्टी सिनेमा हो गया, नानावती कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो गया, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में प्लॉट्स हो गए, पार्किंग कॉम्प्लेक्सेस हो गए, यहाँ तक कि शालीमार बाग में उन्होंने एक स्कूल तक बेच डाला। तो एक तरफ स्कूल में हमारे बच्चों का भविष्य बेच रहे हैं और अब साउथ एमसीडी हमारे शहर का इतिहास बेच रही है। हेरिटेज साइट्स को, मॉन्यूमेंट्स को प्राइवेट कंपनियों को बेचा जा रहा है, लीज किया जा रहा है, जो बहुत शर्मनाक बात है। ये हमारे शहर की आइडेंटिटी है, हमारे शहर का इतिहास है, इससे टूरिज्म बढ़ सकता है। लेकिन हेरिटेज साइट्स को भी ऐसे औने पौने दामों पर बेच देना, तो ऐसा लगता है कि कुछ सेटिंग हो गई है भाजपा की कि सस्ते दामों पर बेचा जाएगा, अपनी जेब भरी जाएगी। मैम पहले भी चुनाव आए हैं, कभी ऐसी बातें सामने नहीं आई, इस तरीके का भ्रष्टाचार सामने नहीं आया जो अब लगातार एमसीडी का सामने आता जा रहा है। देखिए, अब एमसीडी वालों को, भाजपा वालों को पता है कि सिर्फ 2-3 महीने का समय बचा है, तो इसलिए उन्हें पता है कि दिल्ली की जनता उन्हें निकाल बाहर करने वाली है, तो जैसे तैसे हो सके जेब भर लो, यही उनका कार्यक्रम है। मैम आगे चुनाव नज़दीक है और 14 फरवरी को पहला मतदान होगा 5 सीटों पर, क्या कहेंगे? देखिए, वैलेंटाइंस डे पे उत्तराखंड, गोवा और पंजाब की जनता अरविंद केजरीवाल से जो उनका प्यार है वो व्यक्त करेगी EVM पर जाकर। तो ये थे हमारे साथ आतिशी जी, जिनका साफ कहना है कि बीजेपी तो अपना भ्रष्टाचार खत्म करने का नाम नहीं ले रही है। और साथ ही साथ अगर चुनाव की बात की जाए तो उनका ये भी कहना है कि गोवा, यूपी और पंजाब में जो 14 तारीख को मतदान होने हैं तो जनता अरविंद केजरीवाल जी से जो प्यार करती है उन्हीं को मतदान करेगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.